एपिसोड की स्टार्टिंग में ही उनसे चोयंग से ब्रेकअप क्यों हुआ था वो याद करती है। वो सोचती है कि वो बहुत ही पुअर थी और ऐसे कंटिन्यू नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसने चोयंग के साथ ब्रेकअप कर लिया क्योंकि वो अपनी कंडीशन में चोयंग को ड्रैग नहीं करना चाहती थी। ब्रेकअप के बाद वो बहुत ही ज्यादा अपसेट रहती थी और एक बार तो उसे चोयंग का कॉल भी आया था और वो उससे रीजन पूछता है। यूनसु से बताती है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है और वो डेटिंग अफोर्ड नहीं कर सकती है, पर चोयंग ड्रंक था इसीलिए वो पूरी बात नहीं सुनता है और फोन रख देता है। लेकिन जब वो उसे वापस पूछता है तो यूनसु उसे सच नहीं बताती है और कहती है कि वो बस थक गई थी। यूनसु उसे पास्ट भूलने को कहती है और आगे बढ़ने को कहती है और वहां से जाने लगती है। यूनसु घर जाकर अपनी ग्रैंडमा के पास सोती है तो उसकी ग्रैंडमा उसे कहती है कि चोयंग आया था और पूछती है कि उसने ब्रेकअप फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से किया था क्या। तो यूनसु उससे मना करती है और उन्हें हग करती है। नेक्स्ट सीन में जियोंग चोयंग के फादर को रिकॉर्ड कर रहा था जहाँ पे वो फिशिंग रॉड के लिए पैसे छुपा रहे थे। तभी उसकी मदर वहाँ आ जाती हैं और इस वजह से दोनों की लड़ाई हो जाती है। जियोंग को ये सब बहुत ही फनी लगता है इसलिए वो शूटिंग कंटिन्यू करता है। फिर जियोंग ऑफिस जाता है तो उसका टीम लीडर उसे डॉक्यूमेंट्री की सक्सेस के लिए प्रेज करता है और बातें करता है और उसे और उसकी बहुत ही तारीफ करता है। उधर चोयंग और यूनसु जब जा रहे थे तो कुछ बच्चे उनसे बातें करने लग जाते हैं। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी और वो उनके फैंस बन चुके थे। यूनसु तो वहां से भाग जाती है पर चोयंग बेचारा वहीं फंस जाता है जिसकी वजह से वो सबके साथ सेल्फीज लेने लगता है। यूनसु के ऑफिस में भी वो लोग डॉक्यूमेंट्री देखते हैं और उसे बहुत ही ज्यादा प्रेज करते हैं। यूनसु फिर सभी को बाहर साथ में खाना खाने के लिए कहती है जिससे सभी सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि इतने सालों में फर्स्ट टाइम था जब यूनसु ने सबके साथ खाना खाने के लिए बोला हो, इसलिए सब बहुत ही ज्यादा खुश भी होते हैं। यहाँ चोयंग और उन्हों भी बाहर खाते हैं और बातें करते हैं। चोयंग उन्हों से अपनी पर्सनैलिटी के बारे में पूछता है कि वो एमलेस इंसान है क्या, तो उन्हों उसे प्रेज करता है और कहता है कि वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है। नेक्स्ट सीन में सोई के रेस्टोरेंट में उसका एक्स बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता है क्योंकि उसने सोई को डॉक्यूमेंट्री में देखा था। वो उसे कहता है कि वो अभी भी अडोरेबल है जैसे कि वो पहले थी, लेकिन इन सब बातों से वो बहुत ही ज्यादा अनॉय होती है। तभी वहाँ पे उन्हों आ जाता है तो सोई उसके एक्स को वहाँ से जाने को कहती है। तो वो उन्हों को कहता है कि वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है और सोई से बात करने को कहता है, पर सोई को गुस्सा आ जाता है और वो उसे वहाँ से जाने को कहती है। फिर वो जाने लगता है तो सोई को कहता है कि वो उसे मिस करता है और उसे कॉल करेगा। उन्हों को बुरा लगता है पर वो कुछ नहीं कहता है क्योंकि अब उसे सोई पसंद आने लगी थी और वो नहीं चाहता था कि सोई की लाइफ में और कोई भी आदमी हो। नेक्स्ट सीन में जियोंग खाना खाने जा रहा था तभी एनजे उसे दिखाई देती है। फिर वो उसके साथ ही खाना खाने को कहती है। दोनों साथ में खाना खाने जाते हैं। दोनों वहाँ पे बैठ के बातें करते हैं। जियोंग उसे सैड होने के लिए मना करता है और उसे चीयर करता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। यूनसु भी अपने कॉलीग्स के साथ बाहर खाने जाती है और वो लोग साथ में खाते हैं, बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। उधर सोई भी अपना काम कर रही थी तभी उन्हों उसकी हेल्प करने आ जाता है। दोनों बाहर कचरा फेंकने जाते हैं लेकिन जब उन्हों वापस आता है तो वहाँ उसे सोई का एक्स बॉयफ्रेंड दिखता है। उन्हों उसकी बातें सुन लेता है कि वो सोई से मिलने नहीं बल्कि उसके पैसों के लिए उसके पास आया था, तो उसे कहता है कि सोई ने खुद लोन ली है और उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है। ये सुनकर उसका एक्स बॉयफ्रेंड समझ जाता है कि सोई से बात करने का कोई भी मतलब नहीं है। अगर वो खुद ही इतने कर्जे में डूबी हुई है तो वो उसे पैसे कहां से देगी, जिससे वो उन्हों को थैंक यू बोल के वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में यूनसु जब घर जाती है तो चोयंग उसे फोन करके उससे बात करता है और फिर उसे रास्ते में मिलता है। चोयंग फिर यूनसु से कहता है कि वो उसे प्रॉमिस करे कि अब वो उसे सब कुछ बताएगी। यूनसु भी उसे अग्री करती है। चोयंग सोचता है कि एक दिन यूनसु उसे बताएगी कि उसने ब्रेकअप क्यों किया था और वो वहां से जाता है। घर जाकर यूनसु अपनी ग्रैंडमा को ब्लैंकेट ओढ़ाती है। चोयंग ने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया था इसीलिए वो कॉलेजेस की सर्च करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यूनसु अपनी ग्रैंडमा के लिए बहुत सारा ब्रेकफास्ट बनाती है और दोनों खाना खाते हैं। यूनसु उसकी ग्रैंडमा को ट्रिप पर चलने को पूछती है, फिर वो उनसे कहती है कि वो अकेले कभी नहीं रहना चाहती है इसलिए उसकी ग्रैंडमा हमेशा उसके साथ रहे, और ऐसा बोल के रोने लगती है। ग्रैंडमा भी इमोशनल हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जियोंग का चाइल्डहुड दिखाया जाता है। वो देर रात तक टीवी देख के जगता था ताकि वो अपनी माँ से मिल सके, पर जब उसकी मदर आती थी तो वो उसे इग्नोर करती थी और उससे कभी भी ढंग से बात नहीं करती थी। वो पूरे टाइम अकेला ही रहता था। एक दिन जियोंग उसके मदर से पूछता है कि वो उसके बिना रह सकती है, तो उसकी मदर से कहती है कि वो नहीं होता तो उसकी लाइफ भी इतनी बुरी नहीं होती, जिससे जियोंग को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो डिसाइड कर लेता है कि वो आज से अपनी मदर से किसी भी चीज की उम्मीद नहीं रखेगा। नेक्स्ट सीन में चोयंग यूनसु के लिए गिफ्ट लेकर घर जाता है। वहाँ यूनसु सो रही होती है तो वो उसे गिफ्ट खोलकर नेकलेस पहनाने लगता है, पर यूनसु उठ जाती है। फिर वो उसे नेकलेस पहना देता है। यूनसु बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और चोयंग उसे इयररिंग भी देता है। वो उसे पहन लेती है और खुश होकर चोयंग को हग भी करती है। उसके बाद दोनों साथ में बुक पढ़ते हैं और खाना खाते हैं। उसके बाद दोनों ड्रॉइंग करते हैं। चोयंग यूनसु की ड्रॉइंग देखकर हंसता है। फिर दोनों टीवी देखते हैं। फिर यूनसु शावर लेकर आती है और चोयंग को उसके बाल सुखाने को कहती है। फिर वो उसके बाल सुखाता है और वो दोनों बातें करते हैं। यहाँ हमें समझ में आ रहा था कि अब
दोनों अपनी लाइफ से बहुत ही ज्यादा खुश है और दोनों को एक दूसरे की कंपनी में बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। नेक्स्ट सीन में चोयोंग के बहुत सारे पार्सल आते हैं तो उन्हें उसे उठाकर रखता है। वो सब गिफ्ट होते हैं जो कि उसने युनसो के लिए मंगाए थे। उनमें से एक पार्सल चोयोंग उन्हों को लेने को कहता है जिससे उन्हों भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वो सोई से मिलने जाता है। उधर जियोंग अपने ऑफिस में काम कर रहा था जिससे उसकी कॉलीग जब उसे देखती है तो उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसे समझ आ रहा था कि जियोंग किसी चीज से बहुत ही ज्यादा अपसेट है जिससे वो उसे कॉफी पर चलने को कहती है। जियोंग अपने मदर के बारे में ही सोच रहा था। नेक्स्ट सीन में चोयोंग का एग्जीबिशन होता है। वो युनसो से बात करता है और अंदर जाता है। चोयोंग बहुत अच्छे से सबको एग्जीबिशन एक्सप्लेन करता है और ग्रीट भी करता है। अब जब चोयोंग का एग्जीबिशन का लास्ट देता तो युनसो उसका एग्जीबिशन देखने के लिए जाती है पर रास्ते में उसे कॉल आता है तो वो रूट चेंज कर लेती है। चोयोंग युनसो का वेट करता था लेकिन वहां पर युनसो नहीं आती है बल्कि उसके बदले एनजे आती है। फिर वो चोयोंग को बुके देती है और दोनों बातें करते हैं। एनजे उसे ऑकवर्ड ना होने को और फ्रेंड्स ही रहने के लिए कहती है। उसके बाद वहां एग्जीबिशन में नुआ आता है। वो चोयोंग की तारीफ करता है और कहता है कि उसकी ड्राइंग में एडवांसमेंट नहीं है तो चोयोंग उसे जाने को कहता है और खुद भी जाने लगता है। नुआ फिर उसे कहता है कि उसने चोयोंग का ड्राइंग चुराया था फिर भी वो गुस्सा क्यों नहीं हुआ। फिर चोयोंग उसे कहता है क्योंकि मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। तो नुआ गुस्सा होता है और कहता है कि वो जानना चाहता था कि उसके कॉपी करने पर भी चोयोंग का रिएक्शन क्या होगा लेकिन चोयोंग ने तो कोई भी रिएक्शन नहीं दिया जिससे उसे खुद ही बहुत बुरा लगा। फिर वो वहां से जाता है। यहाँ हम युनसो को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में थी। दरअसल उसकी ग्रैंडमा को हॉस्पिटल में एडमिट किया था। ग्रैंडमा युनसो को एग्जीबिशन में जाने को भी कहती है पर वो नहीं जाती है और रोने लगती है। ग्रैंडमा उसे समझाती है और खुद का ध्यान रखने को कहती है पर चोयोंग अभी भी युनसो का एग्जीबिशन में वेट कर रहा था। फिर उसे जियोंग का कॉल आता है और वो उसे मिलने जाता है। चोयोंग उसे पूछता है कि वो एग्जीबिशन में क्यों नहीं आया तो जियोंग कहता है क्योंकि वो बिजी था। फिर जियोंग चोयोंग को बताता है कि उसकी मदर मरने वाली हैं और ड्रिंक करने लगता है। फिर वो कहता है कि वो सैड नहीं है तो चोयोंग भी उदास होता है। युनसो भी चोयोंग को फोन करती है पर वो फोन नहीं रिसीव करता है। फिर वो उसके घर जाती है और उसका वेट करती है। चोयोंग उसे वहां देखता है और उसे पूछता है कि क्या हुआ। फिर युनसो रोने लगती है और चोयोंग को हग करती है और कहती है कि उसने सब कुछ वापस से खराब कर दिया और बहुत जोर से रोने लगती है। फिर युनसो उसे सॉरी भी कहती है। चोयोंग उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। युनसो बताती है कि वो बहुत ज्यादा पेन में है तो चोयोंग उसे हग करता है और अंदर चलने को कहता है। चोयोंग सोचता है कि बचपन से ही उसके फ्यूचर का कोई भी गोल नहीं थे उसे बस पीसफुल लाइफ चाहिए थी। बचपन में भी उसके पेरेंट्स के साथ वो बहुत ही खुश था और सक्सेस की कोई भी ग्रीड नहीं थी। वो बस चाहता था कि उसके पेरेंट्स के लिए अच्छा सन बन सके। अगले सीन में चोयोंग और युनसो अंदर बैठे थे और चोयोंग युनसो को कहता है कि उसे आगे पढ़ने के लिए बाहर जाना है और वो चाहता है कि युनसो भी उसके साथ जाए। युनसो उसे कहती है कि उसे सोचने के लिए टाइम चाहिए और कहती है कि पहली बार चोयोंग कुछ करना चाहता है और कुछ अचीव करना चाहता है। नेक्स्ट सीन में युनसो मिस्टर जांग से बातें करती है तो मिस्टर जांग उसे कहते हैं कि वो उनके हेडक्वार्टर जो कि पेरिस में है उसमें उसे काम करने देना चाहते हैं। उन्हें वहाँ नई टीम बनानी है और युनसो के अभी तक का रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा अच्छा है इसलिए नेक्स्ट प्रोजेक्ट में भी उसे लेना बेस्ट रहेगा। फिर मिस्टर जांग उसे सोचने को बोलकर वहां से चला जाता है। उधर उन्होंने चोयोंग के जाने की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है और सोई के पास जाकर रोने लगता है। सोई उसे रोने से मना करती है। फिर वो उन्होंने फोन में मैसेज देखती है और शॉक हो जाती है क्योंकि चोयोंग ने उसे बहुत सारे पैसे दिए थे जिससे वो उन्होंने बिजनेस करने को कहती है लेकिन उन्होंने उसे मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में एनजे चोयोंग के घर जाती है। चोयोंग अपना सामान शिफ्ट कर रहा था जिससे वो बहुत ही ज्यादा दुखी था। एनजे उसकी ड्राइंग की तारीफ करती है और बताती है कि उसे उसकी ड्राइंग्स क्यों पसंद है। चोयोंग उसे थैंक्स कहता है और एनजे फिर वहां से जाने लगती है। चोयोंग उसे बताता है कि युनसो भी उसके साथ जा रही है तो एनजे उसे कहती है कि युनसो उसे बहुत प्यार करती है इसीलिए वो अपनी लाइफ छोड़कर उसके साथ जा रही है और ऐसा काम करना इजी बिल्कुल भी नहीं है। उधर युनसो अपनी ग्रैंड मदर से पूछती है कि अगर वो यहाँ नहीं रहेगी तो क्या उसकी ग्रैंड मदर उसका ध्यान रखेगी तो उसकी ग्रैंड माँ कहती है कि हाँ और कहती है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी हो जाएगी। युनसो उनसे कहती है कि अगर वो कोलैप्स हो गई तो वो ग्रैंड माँ कहती है कि अपनी मेडिसिन टाइम से लेती रहेंगी इसलिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और वो दोनों जा सकते हैं। चोयोंग अभी भी एनजे ने जो भी युनसो की लाइफ के बारे में कहा था वो सोचता है और यहाँ युनसो भी सोचती है कि वो क्या करे। नेक्स्ट सीन में जियोंग और उसका टीम लीडर दोनों खाना खाने जाते हैं। वो जियोंग को डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए समझाता है और कहता है कि फिल्म प्राइसलेस होती हैं। पर जियोंग अपनी माँ की डॉक्यूमेंट्री शूट वो कहता है कि वो मर रही है तो क्या वापस आई है तो क्या उसने पूरी लाइफ मुझे इग्नोर ही किया है। जियोंग को समझ नहीं आता है कि वो क्या करे और वो बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है। उधर चोयोंग अपनी माँ के साथ खाना खाता है। उसकी माँ को पता होता है कि चोयोंग को पता है कि वो अडॉप्टेड है पर वो उसे कहती है कि वो उसी का बेटा है। वो चोयोंग को थैंक यू कहती है उसका इतना अच्छा बेटा बनने के लिए और उसके साथ बड़े होने के लिए और इतना अच्छा इंसान बनने के लिए।
चोयंग बहुत ज्यादा इमोशनल होता है और कहता है कि उसे हमेशा से डर था कि वो उसके पेरेंट्स जैसा अच्छा इंसान नहीं बन पाएगा और रोने लगता है। तो उसकी माँ उसे कहती है कि उसने उन्हें कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया है। फिर दोनों एक दूसरे के आंसू पोंछते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। फिर चोयंग कहता है कि वो और भी बेटर पर्सन बनना चाहता है। नेक्स्ट सीन में युनसू अपने घर जाती है और वो देखती है कि उसकी ग्रैंड मदर हमेशा की तरह उसका वेट कर रही थी, तो वो अपनी ग्रैंड माँ के पास लेट जाती है। फिर वो उनसे कहती है कि उससे हमेशा लगता था कि वो अकेली है, उसके दोस्त नहीं है, पर वो गलत सोचती थी, उसकी लाइफ अच्छी थी। सोई और अपने ऑफिस के कॉलीग्स को याद करती है। उसके बाद वो चोयंग से मिलने जाती है जहाँ पे वो उसके साथ अब्रॉड जाने के लिए मना कर देती है क्योंकि फर्स्ट टाइम उसने अपनी लाइफ एंजॉय करना शुरू किया था, इसीलिए उसको वो थोड़ा और जीना था। चोयंग उसे अग्री करता है पर युनसू उसे जाने के लिए कहती है। चोयंग भी कहता है कि वो जल्दी आएगा और बदलेगा नहीं। चोयंग उसे अपना वेट करने के लिए कहता है। उधर जियोंग अपनी माँ से मिलने जाता है। वो उनसे पूछता है कि लाइफ में वो उससे दूर क्यों रही और ऐसा क्यों कर रही थी, तो वो कहती है कि अगर वो ऐसे ही मर गई तो अनफेयर होगा। जियोंग उन्हें सेल्फिश कहता है और कहता है कि वो कभी भी उन्हें माफ नहीं कर पाएगा। फिर जियोंग उनसे ये भी कहता है कि शायद एक दिन वो अपना माइंड चेंज कर ले और वो उसकी माँ को जाने को कहता है और वो दोनों रोने लगते हैं। यहाँ चोयंग अपना सारा सामान पैक करता है। उसके पेरेंट्स भी उसके जाने से बहुत ही दुखी थे। जियोंग अपनी माँ की डॉक्यूमेंट्री में बिजी था। चोयंग फिर युनसू से मिलने जाता है। दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और किस भी करते हैं। फिर चोयंग फाइनली जाने के लिए रेडी होता है। यहाँ उसके फादर भी उसे छोड़ने जाने में नाटक करते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो जाए, लेकिन तभी वो उन्हें कहता है कि आप मेरा वेट करो, मैं अभी आया। फिर वो अपने रियल फादर को देखने के लिए जाता है और उन्हें देख के वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में चोयंग के जाने के बाद ही उनसे ड्रिंक करके रोने लगती है। सोई और उन्हों भी उसे संभालते हैं। चोयंग और युनसू वीडियो कॉल करके एक दूसरे से बातें करते हैं। युनसू अपने ऑफिस में काम करती है और अपने कॉलीग्स के साथ भी बातें करती है। फिर एक दिन चोयंग युनसू को दिन भर कॉल नहीं कर पाता है और जब फाइनली कॉल करता है तो उस पर गुस्सा करती है। चोयंग युनसू से आई लव यू कहता है तो वो शॉक हो जाती है और उसे कहती है कि ये फेस टू फेस कहना चाहिए था क्योंकि लाइफ में तुमने फर्स्ट टाइम मुझे आई लव यू कहा है। तो चोयंग उसे पीछे पलटने को कहता है। जैसे ही वो पलटती है तो पीछे उसे चोयंग दिखाई देता है जिसे देख के वो रोने लगती है। चोयंग उसे हग कर लेता है और फिर दोनों किस करते हैं। उसके बाद 2 साल बाद का सीन बताते हैं। उन्होंने सोई के रेस्टोरेंट में उसकी हेल्प करता है। जियोंग के इंटर्न उसे बताती है कि वो उसे लाइक करती है। यहाँ चोयंग के फादर को जियोंग शूट करता है और चोयंग और युनसू लाइब्रेरी में बुक रखते हैं। फिर फाइनली चोयंग युनसू को शादी के लिए प्रपोज करता है। सीरीज के लास्ट में चोयंग और युनसू गार्डनिंग कर रहे थे, उनकी शादी हो चुकी थी। वहाँ जियोंग आता है और उनसे डॉक्यूमेंट्री का 3rd सीजन बनाने की बात करता है। दोनों मना करते हैं पर फाइनली वो वीडियो बनाने को तैयार हो जाते हैं और बताते हैं कि वो दोनों मैरिड हैं। इसी के साथ ये लास्ट एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो ये सीरीज यहीं खत्म होती है और अगले वीडियो में मिलेंगे किसी न्यू स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।